यूपी के रामपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए कनाडा से आरआई इंद्रजीत सिंह ने कहा, ये पूरा हिंदुस्तान देश जो है पूरा सवाल उठा रहा है। मेरा नाम इंद्रजीत है, मैं टोरंटो कनाडा से, और ये वाकई दिल दहलाने वाला जो हादसा हुआ है जम्मू के अंदर, ये सिस्टम भी कहीं ना कहीं इसको लेकर फेल हुआ है, क्योंकि पहले भी फॉर्म में इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी और उसके बाद में तीन पोस्टों से आरडीएस निकल के जाना और उसके बाद में एक ही जगह पे इतने सारे सैनिक ट्रांसपोर्ट करना, ये सब ले सबको लेके सवाल कहीं ना कहीं खड़े होते हैं और हिंदुस्तान के सभी देशवासी जो लोग हैं उनके दिमाग में अभी ये चला कि सब हादसा हुआ जो है वो कैसे हुआ है, उसके लिए पूरा जो शासन है वो क्या आगे प्रिकॉशंस लेने को तैयार है। देश चाह रहा है कि इसके बदले में रिटालिएशन किया जाए और रिटालिएशन के बाद दूसरे मुल्क के साथ उनको सबक सिखाने की बातें चल रही हैं और मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इसको जो ध्यान से सुने और इसका मेजर जरूर ले, इसको लेके आगे ना आगे कहीं ये हादसा दोबारा ना हो, इसको लेके जरूर कुछ ना कुछ करते रहें ताकि देशवासियों में जो संवेदनाएँ बाहर गई हैं कहीं ना कहीं मरहम लगाने का काम जरूर इसलिए आएगा और जिन लोग जितने भी हमारे शहीद हुए हैं लोग उनके परिवार की देखभाल की जाए, ऐसा ना हो कि एक ही बार देखभाल की जाए बाद में छोड़ दिया जाए। मैं चाहता हूं उनके जो परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान हैं, उनको जॉबें दी जाएँ, उनके लिए फाइनेंशियल एड भी दी जाए और कहीं ना कहीं महकमे को चाहिए कि उनके आगे आने वाले बच्चों का भी कहीं ना कहीं पता लगे, ऐसे हादसे द्वारा ना हो, पाकिस्तान के साथ ओपन डायलॉग रखें और डायलॉग होना जरूरी है क्योंकि उसी से जरिए निकलेंगे। अगर तुम रास्ता बंद कर दोगे तो शायद मेरा ख्याल है, मेरा मानना है कि रास्ते बंद करने से भी हालात कहीं सुधरने वाले थे, लेकिन देशवासी चाहते हैं कि इसका बदला जरूर लिया जाए और पाकिस्तान के साथ कठिन और हार्ड ढंग से सबक सिखाने का भी काम करना चाहिए। हम लोग पीसफुल लोग हैं, हम लोग सब विश्वास में विश्वास रखते हैं, हम लोग वो कत्लेआम वाले लोग नहीं हैं, तो हमें पीसफुल रहने दिया जाए और जो भी ये बॉर्डर पर हो रहा है उसको या तो कश्मीर के अंदर 370 हटा के वहाँ पे रोजगार का और बढ़ावा दिया जाए या फिर वहाँ भी फैक्ट्रीज खोली जाएँ, जो बेरोजगार लोग हैं उनको कम से कम रोजगार दिया जाए, जिनके लोगों के दिमाग खुराफात से भरे हुए शायद वो कम हो जाएँ। 370 हटा के आर्मी को एक साल दे दिया जाए, आर्मी को पूरा सफाया करने दीजिए और जहाँ पर बॉर्डर पर जहाँ पर फेंस नहीं लगी है वहाँ पर फेंस भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए ताकि वहाँ से घुसपैठ जो है आने जाने वाले रास्ते जो है वो भी बंद होने चाहिए। कम से कम सरकार को इस बार बहुत जरूरी मेजरमेंट्स लेने पड़ेंगे इस बात को लेके, वरना ये कैजुअल्टी ओवर एंड ओवर होती नहीं है और होती रहने वाली है मेरा ख्याल है।